कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? 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 अरे देखो वहाँ कुछ है जियान। हाँ? हाँ? ये क्या है? इसे खोल कर देखो। ये कैट, लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है, वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता? मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है, अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। हाँ? अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता। हाँ लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन की एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना। नोबिता तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है डोरेमोन। जल्दी करो इस कैट को छुपाओ, मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाओ? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता, आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें?
ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है, एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ, तुम सही समझे, इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं, हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? म्याओ। अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याओ। ओह, थैंक यू सो मच। हाँ? जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे पास मत आना। अरे ये तो अंदर चली गई, अभी बाहर निकालती हूँ। जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो, क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए, ये तो बस एक सैंपल है, जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है, मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे क्यूट कैट चाहिए? म्याओ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! नहीं, ये क्या? बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई। अरे मैडम, आप यहाँ? हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया, मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ? हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ? बिल्कुल, बहुत पसंद है। अरे कुरो तुम? अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कुरो है?
हाँ, उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कूरो अभी लाकर देता हूँ, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी मैंने तुम्हें तंग किया, अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलिशियस कैट फूड लाती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कूरो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक है नोबिता। तो नोबिता, अब मैं कूरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कूरो। चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज है। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा, हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ, तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ? मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो ये ठीक नहीं है। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है, आज उसे वापस आने दो। हाँ? कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ? हाँ, आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम। नहीं, नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। ओ, ओ। और तभी अलार्म बजता है। क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजीको निजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजीको निजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा सर। हा? क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ? देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए ये ठीक नहीं है, आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल सकते। लगता है उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन कि आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता, अब क्या करें? समझ गया।
लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों हा? क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों। सीन चेंज होता है और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा, टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ? क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम हाँ? क्या कर रहे हो? हाँ? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है, ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजीको है। हाँ? ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो हा? ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ, तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है, प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजीको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर हाँ? आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? हाँ? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए बात यह है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ, वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए? हमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। दोबारा जरूर आना मिस्टर निजीको। अरे तुम आ गए, अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया? ओ, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगवार?
अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगुआर मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए? शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? हाँ, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ। हाँ? हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन?